जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की रीडिंग है, देखिए आज बहुत ही अलग रीडिंग है, तो जिनसे रिजोनेट करेगी उन्हीं के लिए है रीडिंग। आप लोग जिनको अपना बहुत ज़्यादा क्लोज समझते हैं, ये जिनके लिए भी रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, पर ये बहुत ही स्पेशल स्पेसिफाई पर्सन के लिए हो सकता है। जिनको आप अपना बहुत ज़्यादा क्लोज वन समझते हैं, मैं ज़्यादातर ये नहीं कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम, लेकिन अगर आप समझते हैं तो वो आपके कार्मिक हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चलेगा फाइव ऑफ कप से, यहाँ पर आपके जितने भी इमोशन हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर डिवाइन ब्लेसिंग मिला हुआ है, जो आपकी एक कहेंगे क्रिएटिविटी है आपके अंदर, वो ये सारी चीज़ों को जैसे कहेंगे ना कि मैनिपुलेट करके अपने तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है, और ये पर्सन के साथ कोई और भी मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे दो से ज़्यादा लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो ये जो पर्सन है क्लियर है कि ये आपके कार्मिक है, ये आपके बिल्कुल भी क्लोज वन नहीं है। आप जिस भी तरीके से देखिए, आपको इसका जो मार्गदर्शन है ये प्राप्त होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप बैलेंस होते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप बैलेंस होते जाएंगे, आपको ये सारी चीज़ों का जो ज्ञान है वो होने लग जाएगा। ये जो व्यक्ति है आपके अंदर का पॉजिटिविटी, ये जैसे कहते हैं ना कि रीच करना, आपके एनर्जी में आकर आपके एनर्जी को ले जाना, ये इनका काम है। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपको ऐसा लगता है कि इक्वली सम्मान नहीं मिलता आपको किसी भी प्रकार से, या ये कमिटमेंट नहीं देते किसी भी प्रकार से, तो देखिए बिल्कुल ये इनमेच्योर एनर्जी में है अभी भी। अगर आप ये सोचते हैं कि ये चेंज होकर आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है आपके लिए। है आपको एक न्यू बिगनिंग करना है, एक नया राह आपको नज़र आ रहा है। देखिए उन्हीं लोगों के लिए है जिनसे रिजोनेट करेगा, मैं फिर से कहूँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप जैसे ही नई शुरुआत करेंगे, आपके लाइफ में आपके रियल सोलमेट की एंट्री होगी। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है, आप अपने सोलमेट की तरफ नहीं देख रहे हैं, आप अपने कार्मिक की तरफ देख रहे हैं, मतलब आप अपने कार्मिक के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ये होता ही है। और जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा उदास, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ड्रेन अपने आप को महसूस कर रहे हैं, ख़ास तौर पर शाम के समय, इवनिंग के समय। ये किसी के साथ भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप जिनके तरफ आप देख नहीं रहे हैं, वो आपके सोल कनेक्शन में है, ठीक है, और जिनके तरफ आप बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए आप इमोशनली फील किए, लेकिन उन्होंने आपके तरफ, जैसे कहते हैं ना कि इक्वल सम्मान, वो आपको जो दे रहे हैं, ठीक है, वो दे नहीं रहे हैं, वो आपसे आपकी एनर्जी ले रहे हैं, वो आपसे आपकी एनर्जी खींच रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी ले रहे हैं, चैरियट में आपसे मार्गदर्शन भी ले रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर थ्री ऑफ पॉन्ड से आप समझ सकते हैं कि ये दोनों तरफ, हर एक तरफ इनकी नज़र रहती है, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी लाल हार्टेड पर्सन नहीं है। ये किसी भी प्रकार से अग्नि तत्व के हो सकते हैं, जल तत्व के हो सकते हैं, पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं, ठीक है, और आपके जो सोल कनेक्शन होंगे वो वायु तत्व के बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वैसे तो देखिए जनरल रीडिंग है, तो हर किसी का अपना अपना अलग होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है जो आपके सोल कनेक्शन है, जो आप कहते हैं जो ट्विन फ्लेम, मैं कहती हूँ कि शक्ति यात्रा, ठीक है, तो उसमें अगर आप हैं, तो आपके जो सोल कनेक्शन है, आपको इनर वॉइस, आपका जो अंतर आत्मा है, वो आपको बताने वाला है कि ये आपके जो है रियल ट्रू सोलमेट हैं, जो है किंग ऑफ सोर्स। ये ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी प्रकार से, जैसे मैंने कहा कि वायु तत्व के हो सकते हैं, और इनके अंदर एक बैलेंस आ रहा है, इनके अंदर एक एकाग्रता आ रहा है। हो सकता है कि पहले ये उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे आपकी तरफ, लेकिन अब यहाँ पर चैरियट का कार्ड भी बता रहा है कि आपके अंदर जो आई हुई एक पॉजिटिव एनर्जी है, आपके अंदर आई हुई जो सकारात्मकता है, उसका प्रभाव इन पर पड़ रहा है। हो सकता है, और हो सकता है नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये जो पर्सन है जिन्हें आप अपना बहुत ज़्यादा क्लोज वन समझते थे, इन्होंने प्रोजेक्शन किया है, या मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ये जो प्रोजेक्शन है इनके तरफ ही वापस चले गया है। यहाँ पर मेल एंड फीमेल बोथ हैं, ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्शन है इनके तरफ वापस चले गया है, जो कुछ भी प्रोजेक्शन आपके पर्सन की तरफ किया गया, क्योंकि आप लोगों का एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर हुआ है। और आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है, आप या तो किसी भी प्रकार से कैंडल से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाले हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप ध्यान योग मेडिटेशन करने वाले हैं, आप कुछ स्पिरिचुअल वर्क सीखने वाले हैं, ठीक है। संतुलन आ रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, संतुलन आ रहा है, साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है,
ये आपके पर्सन है, ये आपके ट्रू सोल कनेक्शन है। हो सकता है आपकी इनके साथ मैरिज हुई है या मैरिज हो सकती है, क्योंकि कसमें और वचन, ठीक है। तो आपकी जो मैरिज है इन्हीं के साथ होगी, जो आपके रियल ट्रू सोलमेट हैं और जिनके लिए आपको ऐसा लगता है कि आपका मन कहता है, आपका जो इनर वॉइस है वो गाइड आपको करता है कि ये व्यक्ति हमेशा ही आपके सामने में कुछ और रहते हैं, आपके पीछे कुछ और रहते हैं, आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं और इनकी नज़रें हर तरफ रहती है। यहाँ तक आपकी पॉजिटिव एनर्जी में, आपके फाइनेंस में, ये आपको कभी भी स्टेबल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये दूर से ही आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये चाहे कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ही इमैच्योर पर्सनालिटी है। देखिए मैं, बहुत ही अलग एनर्जी आ रहा है। इनमें से कुछ है जिनको तो बात करने का भी, जिसे कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन स्किल, बिल्कुल भी इनका सही नहीं है। एक व्यक्ति है जो काफ़ी जल्दी जल्दी बात करते हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति है जो काफ़ी क्रोधित होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, ठीक है। तो ऐसी पर्सनालिटी है इनकी। ये लोग जो है बिल्कुल भी आपके आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, और ना ही आपके लिए अच्छे हैं, ना ही आपके लिए पॉजिटिव है। ये यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है और बहुत जल्द आपको पता चलने वाला है, और इनको भी पता चलने वाला है कि इन्होंने जो कुछ भी निगेटिविटी आपके तरफ जो किया है वो इन्हीं के तरफ प्रोजेक्शन हो रहा है। इनमें से कोई व्यक्ति है जिनको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल पर जाना, यात्रा पर जाना काफ़ी पसंद हो सकता है। आपको इसकी जानकारी जो होगी वो होगी दिहाई पृष्ठ से, वो होगी एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन के मार्गदर्शन से, ठीक है। आप, हो सकता है कि आप यह जानना चाहते हो कि क्या सही है, क्योंकि आपको ये कंफ्यूज करके रखे हैं निगेटिविटी में, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ नेम के इनिशियल ले लेते हैं, ये आपके भी हो सकते हैं और जिन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है उनका भी हो सकता है। एम हो सकता है, एल हो सकता है, नाम में या सरनेम में हो सकता है, एस हो सकता है, एस स्ट्रांग लग रहा है, ओ हो सकता है, आर हो सकता है, जी हो सकता है, के हो सकता है, ये सरनेम में हो सकता है, या ये आपके एक्स फ्रेंड या एक्स हो सकते हैं, ठीक है। ये जो नाम के इनिशियल है ये आपके भी हो सकते हैं और उनके भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बार बार आपके तरफ जो है निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ है, और इनमें से ही किसी ने किया है, और इसकी जानकारी आपको आने वाले समय में प्राप्त होगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके तरफ कुछ ऐसी एनर्जी इन्होंने सेंड की जो लगभग लंबे समय तक आपको परेशान किया। ये एनर्जी आपको लंबे समय तक संतुलन, लंबे समय तक आपको बैलेंस नहीं होने देना, आपको स्टेबल ना होने देना, आपके मूलाधार चक्र पर, आपके मणिपुर चक्र पर, आपके थर्ड आई चक्र पर और आपके हार्ट चक्र पर प्रहार करना इनकी एक आदत हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर वाटर साउंड आप में से कुछ लोगों के लिए हीलिंग आ रहा है। आप में से कुछ लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक यात्रा में हैं, ठीक है। आपको ड्रीम के द्वारा इनका नाम या किसी भी प्रकार से इनका ड्रीम आपको आ सकता है। आप हीलर से मिल सकते हैं या आप खुद भी एक हीलर हो सकते हैं, या आगे आने वाले समय में आप हीलिंग सीख सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है, आप भजन पूजन जरूर कीजिए, और आपके लाइफ में बहुत जल्द आप अपने सोलमेट को पहचानने वाले हैं, जो रियल ट्रू सोलमेट है उनको आप पहचानने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत इमोशनल ड्रेन आपने देखा है। इवनिंग के समय में, शाम के समय में आपकी जो एनर्जी डिसबैलेंस होती है वही आपकी एनर्जी पर रीच करते हैं किसी भी प्रकार से, और आपकी एनर्जी को अपने तरफ, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को, देखे बारिश हो रही, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को इस तेज़ गति से खींचने की कोशिश करते हैं और आपके तरफ निगेटिव प्रोजेक्शन करने की कोशिश करते हैं। रात के समय में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप में से कुछ लोगों को ऐसे ड्रीम भी आते होंगे जिससे आप डर जाते होंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए।